मंडी लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर एक तरफा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और एक नौजवान हमारे साथी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि विक्रमादित्य भारी बहुमत से इस लोकसभा क्षेत्र जीत कर जाएंगे और हिमाचल में चारों सीटें हैं, चारों सीटों पर हमारे उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। देश में भी आज माहौल जो है बदलाव का माहौल है और मैं बार बार कहता हूँ कि जहां जहां कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर है वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार बेहतर परफॉर्म करेंगे, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड, हिमाचल, हर जगह। और इंडिया अलायंस के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। 4 जून को जब मतगणना होगी तो हमें लगता है कि एक बदलाव का जो एक माहौल बना हुआ है वो सचमुच साबित होगा और हम लोग एक सरकार बनाने में कामयाब होंगे। बात बोली जा रही है, नारा ही है और नारा रह जाएगा क्योंकि 10 साल के शासन के बाद हर पैमाने पर सरकार अपनी परफॉर्मेंस को दिखा नहीं पा रही है। करप्शन हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर क्षेत्र में पिछड़ी है, इसलिए विवादित मुद्दों को बार बार हवा देते हैं। भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो आज चर्चा कर रहे हैं, उन्हें करनी चाहिए चर्चा शिक्षा की, चिकित्सा की, निवेश की, उद्योग की, किसान की, बेरोजगारी की, महंगाई की, वो चर्चा करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, मंगलसूत्र की, हिंदू की, मुसलमान की। तो मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए और एक अच्छे माहौल में चुनाव लड़ा जाए, संवाद हो, जनता बेहतर उम्मीदवारों को चुने, लेकिन जो मुद्दे हैं वो प्रासंगिक वो होते हैं जो जनता के जीवन को छुए। भाजपा की कोशिश रहती है कि हमेशा एक आड़ बना के रखते हैं, पर्दे के पीछे से वो भावनात्मक मुद्दों को हवा देते हैं और जमीनी मुद्दों से दूर रहते हैं। हमारा जो मैनिफेस्टो है, चाहे 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देने की बात हो, MSP पे कानून बनाने की बात हो, इन मुद्दों को जनता पसंद कर रही है, इसलिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत ज्यादा चर्चित है। कोई जानता भी नहीं कि भाजपा के मैनिफेस्टो में लिखा क्या है। जनता नाउमीद हो चुकी है और बदलाव के मूड में है।